ये ड्राइंग इन रूम है और यहाँ पे समझने की बात ये है कि ड्राइंग इन में गेटिंग होती है, नोटिंग नहीं होती है। नोटिंग डायरेक्ट लूम पर होती है। जैसे कि ये बीम है, बीम बन गया, उसको नोट का मतलब क्या होता है, गांठ मारना। तो नोटिंग में गांठ मार देते हैं, जैसे कि ये बीम है और जो पीछे से जो पीछे वाला तैयार है उन दोनों के आपस में गांठ मार देते हैं और फिर नोटिंग हो जाती है। और गेटिंग के लिए अलग से, जैसे कि मान ले उसमें कुछ अलग एक आधा धागा कम ज़्यादा यूज़ हो रखा है, या फिर गेटिंग जब हम करते हैं डिफरेंट जो भी जिस रीज़न से हम गेटिंग करते हैं, तो फिर उसके लिए हमें पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ता है ड्राइंग इन प्रोसेस। इसमें मैक्सिमम टाइम 2.5 घंटे लग जाते हैं जकार्ड के लिए, या फिर 2 घंटे भी लग जाते हैं। नोटिंग में टाइम लग जाता है, गेटिंग में टाइम नहीं लगता है। गेटिंग में आधा घंटे में भी हो जाती है प्लेन के लिए, या फिर मैक्सिमम जकार्ड वगैरह के लिए 1.5 मतलब 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5 आवर। और ये ड्राइंग इन रूम है, इसमें हम गेटिंग करते हैं। गेटिंग करते हैं मतलब सबसे पहले इसमें से हिल्ड फ्रेम में से पास करते हैं, रीड में से पास करते हैं, फिर ये इसमें ड्रॉप वायर में इसमें से एक पास करते हैं। ये हम डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारा जो लूम पे चल रहा है उससे डिफरेंट हमें डिज़ाइन सब कुछ डिफरेंट चाहिए तो हम ये करते हैं। और ये अपनी ये क्या नाम है, ड्रॉप वायर। और अगर हमें नोटिंग करनी हो तो जैसे कि बीम है यहाँ से और जो पीछे से ये इससे पीछे जो चला हुआ है उनमें आपस में गांठ मार देते हैं नोटिंग मशीन की हेल्प से, जो कि मैंने पीछे एक वीडियो में दिखाया था, उस नोटिंग मशीन की हेल्प से गांठ मार देते हैं और फिर वो प्रोसेस रन थ्रू हो जाता है। ये चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी जो चल रहा है वही चलता रहता है। ये भी और पीछे वाला भी, रीड में से भी, हील्ड फ्रेम में से भी, ड्रॉप वायर में से भी कुछ पास करने की जरूरत नहीं होती, आपस में गांठ मार देते हैं, वो गांठ आगे जाके ठीक हो जाती है। मोटा मोटा ये समझना है बस कि ड्राइंग इन रूम है, इसमें गेटिंग करते हैं, इसमें टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें टाइम लग जाता है मतलब 2 घंटे भी लग जाते हैं और प्लेन के लिए, और 2.5 घंटे भी लग जाते हैं जकार्ड वगैरह के लिए। तो और जो नोटिंग प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट जैसे कि बीम आया तो ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ड्राइंग इन नहीं करनी पड़ेगी, और फिर वो डायरेक्ट हमारे लूम पर चला जाएगा। लूम पर नोटिंग कर देंगे, गांठ मार देंगे।